इंडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग सेल्फ इंडक्शन पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसी का थोड़ा सा और आगे का पार्ट देखते हैं, ठीक है। प्रेरकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले दो ही होते हैं, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले सीरीज में देखते हैं, इन सीरीज, सीरीज में कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक इंडक्टेंस, ये सिंबल है, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2, करंट तो सेम जाएगी, ठीक है। क्या बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा। तो अगर इसके लिए हम पहले वाले के लिए निकालें फाई वन बराबर, तो क्या हो जाएगा, एल वन आई हो जाएगा। इसके लिए निकालें फाई टू बराबर, क्या हो जाएगा, एल टू आई हो जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर ये आपका हो जाएगा एल वन आई प्लस एल टू आई। अब टोटल फ्लक्स फाई और टोटल इंडक्टेंस L, ठीक है। तो फाई बराबर टोटल इंडक्टेंस L मान लें, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एल आई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल आई बराबर I कॉमन ले लिया, L1 प्लस L2 ये कैंसिल, तो L बराबर L1 प्लस L2। अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग करते थे, रेजिस्टेंस में करते क्या करते थे, R बराबर सीरीज में जुड़े हुए R1, R2, R3, तो क्या करते थे, R बराबर R1 प्लस R2 कर देते थे। इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, कैसे, सीरीज में। अब यदि हम इनको पैरेलल ऐड करें, कैसे ऐड करें, अगर इनको हम पैरेलल ऐड करें तब देखिए क्या होता है। पैरेलल, ठीक है, इस तरह से आपने इनको कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ये L1 कह देते हैं, ये L2। अब यहां से जब करंट आएगी तो करंट डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 करंट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा, E बराबर। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि E बराबर L बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, इस तरह से पढ़ा था। करंट तो चेंज हो गई, डी आई वन हो गई यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम डी आई वन अपॉन डी टी बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E अपॉन L वन। इसी तरह पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए निकालें तो आप क्या लिखोगे, डी आई टू अपॉन डी टी बराबर E अपॉन L2। दोनों निकाल लिए, टोटल, अब टोटल अगर करंट निकाल दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो क्या हो जाएगा, डी आई वन अपॉन डी आई टी इज इक्वल टू E अपॉन L1 प्लस E अपॉन L2। ये किसके बराबर हो जाएगा, E बाई L, टोटल करंट I, ठीक है, टोटल टोटल पोटेंशियल A और टोटल EMF, तो E बाई L क्या हो जाएगा, ये E बाई L के बराबर हो जाएगा। E बाई L बराबर E कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 हो जाएगा, ये E से E कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन L बराबर 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ये हो जाएगा। LCM ले लेंगे L1 L2, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये किस में हो गया, ये पैरेलल में हो गया। और उससे पहले वाले क्या पढ़ा था, सीरीज में क्या बताया था, सीरीज में बताया था L बराबर L1 प्लस L2। तो सीरीज में आप जैसे हम लोग रेजिस्टेंस वाले में याद रखते थे, उसी तरह याद रखते हैं जब कभी भी इंडक्टेंस आएगा, ये सिंबल है इंडक्टेंस का, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये इंडक्टेंस का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो इसी तरह बैटरी के लिए ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, प्लस और ये माइनस, छोटी वाली लाइन माइनस, तो इसी तरह ये इंडक्टेंस का सिंबल है। तो ये हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, अब दूसरे इंडक्टेंस पे चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस।
अब दूसरे इंडक्टेंस की बात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं हम लोगों के, सभी बच्चे एफबी चलाते हैं, सभी सब फेसबुक पे रहते हैं, तो क्या होता है वो म्यूचुअल, देखा होगा म्यूचुअल लिखा होता, म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन फ्रेंड, जो कॉमन फ्रेंड होते हैं हम लोग लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या मतलब है इसका, इस वर्ड का, इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, क्या बोलते हैं इसको, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। अगर इस पर डिस्कस करें, यदि दो कुंडलियों को पास पास में रखा जाए, यदि दो कुंडलियों को पास पास में रखा जाए, टच नहीं कराया जाए, ठीक है, दो कुंडलियों को केवल क्या किया जाए, दो कुंडलियों को पास पास रखा जाए, ठीक, इसमें नंबर ऑफ लाइंस N1, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स N2, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स N1, इसका रेट फ्लक्स ऑफ चेंज ∅1 और इसका ∅2। तो अब इन्होंने क्या बताया, यदि दो कॉइल्स को पास पास रखा जाए, आप देख रहे हैं कि मैंने टच नहीं कराया है, कॉइलें आपस में टच नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा कि यदि दो कॉइल्स को पास पास रखा जाए और एक में क्या चेंज करें, किस में चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, एक के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें, एक के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, तो दूसरी वाली कॉइल में, पहले वाली कॉइल में चेंज किस में कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पहले वाले कॉइल में, चेंज करेंगे पहले वाले कॉइल में, और फ्लक्स किस में प्रोड्यूस हो जाएगी, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी, सॉरी करंट किस में प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी दूसरी वाली कॉइल में। तो क्या बताया गया, ये बताया गया कि यदि प्राइमरी कॉइल में, अब नाम भी दे देते हैं इनको, क्योंकि दो कॉइलें हो गई, तो इसको नाम दे देते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको नाम दे देते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, यदि दो कुंडलियों को, दो कॉइल्स को पास पास रखा जाए और प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए, तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, क्या फ्लो होने लगती है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, और इस घटना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं, क्या कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं। अब देखिए क्या किस पर डिपेंड कर रहा, कौन किस पर डिपेंड कर रहा, देखिए अब इसका मतलब ये हो गया कि चेंज करंट में चेंज इसमें कर रहे हो और फ्लक्स यहां पर चेंज हो रहा है, इसका मतलब N2∅2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, N2∅2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅1, ठीक। तो N2∅2 प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, इस कांस्टेंट को कहेंगे M। पहले वाले में सेल्फ इंडक्टेंस वाले में क्या बताया था, सेल्फ इंडक्टेंस वाले में बताया था कि L इंडक्टेंस कह रहे थे, इसे म्यूचुअल अभी बताएंगे इसको क्या कहते हैं, और I1 लिख देंगे, तो यहां से अगर M बराबर निकालें तो क्या लिखेंगे, N2∅2/I1। ये जो आप M देख रहे हैं इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह देते हैं, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कह देते हैं, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह देते हैं। अगर अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछी जाए, अगर आपसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछी जाए, तो डिफिनेशन कहाँ से बनानी है, तो डिफिनेशन यहाँ से बनानी है। लेकिन अगर आपको अन्योन्य प्रेरण पूछा जाए, तो आपको ये जो पूरा फिनोमिना है ये लिखना है। अगर आपसे अन्योन्य प्रेरण पूछ रहा है, तो आपने ये पूरा फिनोमिना लिखना है कि दो कॉइल्स को पास पास रखा जाए, प्राइमरी कॉइल के जो है मैग्नेटिक फ्लक्स करंट में चेंज करें, तो दूसरी वाली कॉइल में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट बहने लगती है, और इस फिनोमिना को हम लोग जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइट द डिफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लक्स लीकेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, N2∅2 को, N5 फ्लक्स लीकेज है हिंदी में, जिसको चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका कहते हैं। और
और आई वन को यदि कह दें, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राइमरी कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। फिर से समझ लीजिए, यानी म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स लीकेज, ठीक है, फ्लक्स लीकेज वेयर प्राइमरी कॉइल्स हैव अ 1 एम्पियर करंट, यानी प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करी जाए, प्राइमरी कॉइल में कितने 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो करी जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसके फ्लक्स लीकेज के इक्वल हो जाएगा, यानी m बराबर N2∅2/I1। अगर इसे किस टर्म में लिखा जाए, इसे लिखा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में, तब कैसे लिखेंगे, अगर इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में लिखा जाए तो हम वहां पर कैसे लिखते थे, E बराबर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको कैसे लिख लेंगे, डेल्टा एन टू फाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी एन टू डेल्टा फाई टू इज इक्वल टू ई डेल्टा टी, ठीक है, ई डेल्टा टी हो जाएगा आपका। और या और यहाँ से ये देखिए आप क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम ई डेल्टा टी अपॉन डी आई वन भी लिख सकते हैं। तो आप ई बराबर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, एम डी आई अपॉन डी टी, ठीक, इसको डेल्टा कर देते, यहाँ पर डेल्टा था, ठीक। तो यहाँ से कैसे लिख देंगे कि E बराबर, और ये N2 में कर रहे हैं तो इसको भी आप E2 कर दीजिए, ये भी आपका E2 हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो ये किसके टर्म में आ गया, ये आ गया आपका EMF के टर्म में, किसके टर्म में आ गया, EMF के टर्म में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस तरह के, इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 100 फेरो वाली एक, मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉयल्स 100 है, कोई कॉयल है जिसमें नंबर ऑफ कॉयल्स 100 हैं, n बराबर 100, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना बोल दिया गया, उसका रेजिस्टेंस R बोल दिया गया, आर बोल दिया गया, दे दिया गया 3000 ओम, आर दे दिया गया 3000 ओम, और जो फ्लक्स बता रहा है कि 0.1 सेकेंड में, टी बराबर 0.1 सेकेंड में जो फाई वन से फाई टू जो चेंज हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो आपको बता रहा है कि 0.6 से 0.4 हो जाता है, 0.4 वेबर हो जाता है, ठीक, इतने वेबर हो जाता है, 0.6 से 0.4 वेबर हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर, और क्या आपको चाहिए, प्रेरित धारा, प्रेरित विभवांतर व प्रेरित धारा चाहिए, यानी E चाहिए और I चाहिए। प्रीवियस जो हमने आपको बताया था उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे आपकी E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लगा देंगे। तो E बराबर, ये तो आपने 100 कर दिया, कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था, फ्लक्स में चेंज कितना हो गया, 0.4 माइनस 0.6, भाई ये फाई वन फाई टू, जब चेंज निकालते हैं डेल्टा फाई बराबर तो कैसे लिखोगे, फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, तो 0.4 माइनस 0.6, और डेल्टा कितना था, 0.1 सेकेंड था, ठीक। तो E बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, E बराबर कितना आ गया, E बराबर 200 वोल्ट आ गया, E बराबर कितना आ गया, 200 वोल्ट आ गया। सेकंड कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, और करंट के लिए आपको क्या बताया, करंट के लिए आपको बताया था E बाई R कर देंगे, E आपका 200 दिया हुआ है, ये आपका 3000 दे रखा है, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये आपका 1/15 आ गया। तो 1/15 ओम लिख दीजिए, या आप इसको डिवाइड कर दीजिए
0.066 आएगा, 7 कर दीजिए 0.067 ओम। ये आपका क्या निकला है, ये आपका रेजिस्टेंस निकाला है। इस तरह के आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।